तो क्या आप भी एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हैं एंड आपके फोन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, फाइल्स वगैरह है जो चाहते हैं कि किसी को ना दिखे, तो इसके लिए आप गूगल फाइल्स एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं एंड वहां पे एक कमाल का फीचर दिया गया है जो कि है सेफ फोल्डर। तो चलिए यहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप सेफ फोल्डर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल फाइल्स ओपन कर लेना है एंड उसके बाद यहां पे स्क्रॉल कर लेना है, आपको सेफ फोल्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहां पे आपके लॉक का स्टाइल आप चूज कर सकते हैं एंड इसको सेट कर देते हैं, नेक्स्ट करना है, ठीक है, ये सेटअप हो चुका है, ओके कर देना है। अभी किसी भी फाइल को यहां पे आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली चले जाना, इमेज हो या वीडियो जो भी हो आप कर सकते हैं एंड इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह तीन डॉट पे चले जाना है एंड यहां पे आप डाल सकते हैं मूव टू सेफ फोल्डर, पैटर्न डालना है एक बार फिर से। तो ये फाइल्स यहां से चली गई है, अभी ये फाइल आपको गैलरी में कहीं पे भी नहीं दिखेगी, सेफ फोल्डर में ही दिखेगी। अब यहां से अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो अगेन तीन डॉट पे क्लिक करना है, मूव आउट ऑफ सेफ फोल्डर कर देना है। चलिए अब आप इसका अगर लॉक चेंज करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो दिखा देता हूं। गूगल फाइल्स एप्लीकेशन का यूज कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड पे तीन लाइन है, वहां पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है, सेफ फोल्डर में चले जाना है एंड यहां पे आप चेंज लॉक कर सकते हैं। पहले पुराना पैटर्न डाल देना है, उसके बाद नया लॉक रखना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, हम नया पैटर्न डाल देते हैं एंड यहां पे हमारा पैटर्न रीसेट हो गया है।